जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, भगवान नाम जप का प्रभाव। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता भगवान की प्राप्ति में ही है। भगवान में प्रेम होने से भगवान की प्राप्ति होती है। यह बात गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों में जगह जगह बतलाई गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा तो इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्व से जाना जा सकता हूँ, तथा प्रवेश अर्थात एक ही भाव से प्राप्त भी किया जा सकता हूँ। श्री रामचरितमानस में श्री शिव जी के वचन हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। श्रीमद् भागवत में श्री कपिल देव जी कहते हैं, भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। यही नहीं, स्वयं भगवान ने भी भक्त उद्धव से कहा है, उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्म अनुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं सत्पुरुषों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं एकमात्र अनन्य श्रद्धा भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। इस प्रकार प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति बतलाई गई है। वह प्रेम प्राप्त होता है सत्संग से, कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तथा जैसे विषयों का चिंतन करने से विषयों में प्रेम हो जाता है, वैसे ही भगवान का चिंतन करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान में अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाने पर भगवान के स्वरूप का चिंतन और भगवान के नाम का जप अपने आप ही होता रहता है। फिर वह भगवान को भूल ही नहीं सकता। गोपियों का भगवान में अनन्य प्रेम था, अतः वे भगवान को कभी नहीं भूलती थी। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, जो गायों का दूध दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में जल छिड़कते हुए और झाड़ू देने आदि कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से, आँखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण के नाम और गुणों का गान किया करती हैं। इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त लगाए रखने वाली वे ब्रजवासिनी गोपियाँ धन्य हैं। जिस प्रकार भगवत चिंतन से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, वैसे ही केवल भगवान नाम जप से भी भगवान में प्रेम हो जाता है। वैसे ही केवल भगवान नाम जप से भी भगवान में प्रेम हो जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुमरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। श्री तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में राम नाम की महिमा विशेष कही है। इसी प्रकार वेदों में, योग दर्शन में ओम की, भागवत आदि में कृष्ण की, और शिव पुराण में शिव की, विष्णु पुराण में विष्णु की, और हरि आदि की गीता में ओम तत्सत नामों की, कुरान शरीफ में अल्लाह खुदा की, बाइबल में गॉड की, जैन ग्रंथों में अहरंत और ओम की, आर्य समाज के ग्रंथों में ओम की विशेष महिमा कही गई है। इसी तरह अन्य अन्य सभी संप्रदायों के महानुभावों ने अपने अपने इष्ट देव के नाम की विशेष महिमा कही है। अतः समझना चाहिए
कि राम कृष्ण गोविंद वासुदेव हरि विष्णु शिव आदि जितने भी नाम हैं, परमात्मा के जिस नाम में जिस मनुष्य की रुचि श्रद्धा विश्वास हो उसके लिए वही सबसे बढ़कर है। इसलिए उसको उसी नाम का श्रद्धा प्रेम और निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक जप करना चाहिए। वाणी के द्वारा जोर से उच्चारण करके जो जप किया जाता है उसे वाचिक जप कहते हैं। उससे वह उपांशु जप श्रेष्ठ है जो होठ और जीभ से दूसरों को सुनाई न दे ऐसे मंद स्वर में धीरे धीरे उच्चारण करके किया जाता है, किंतु उससे भी बढ़कर मानसिक जप हैं। श्री मनु जी ने तो यज्ञ से भी नाम जप की महिमा बहुत अधिक बताई है। श्री मनु जी कहते हैं, विधि यज्ञ की अपेक्षा उच्चारण करके किया हुआ जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है और उपांशु 100 गुना श्रेष्ठ है तथा मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। गीता में भगवान ने यज्ञ के नाम से बहुत से साधन बताए, उन साधनों में जप यज्ञ को अपना स्वरूप यानी साध्य बतलाया है। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। जो नाम जप मन से मन लगाकर किया जाता है वह मानसिक जप है। मानसिक जप के कई भेद हैं, जैसे पहला, जिसमें मनुष्य का विशेष प्रेम होता है वह वस्तु बिना याद किए भी अपने आप याद आती है और उसको वह भूलाने पर भी भूल नहीं सकता। इसी प्रकार बलात् भगवान के नाम की स्मृति निरंतर होना यह सबसे बढ़कर मानसिक जप है। दूसरा, जिस प्रकार मन में भगवान के स्वरूप गुण प्रभाव चरित्र लीला आदि की स्मृति होती है वैसे ही भगवान नाम की मन में बार बार स्मृति होना यह भी मानसिक जप है। दीवार पर लिखे हुए तीसरा, दीवार पर लिखे हुए अक्षरों की भांति भगवान के ललाट पर भगवान का नाम लिखा हुआ है ऐसा मानकर मन से ही उसे बार बार पढ़ना यह भी मानसिक जप है। चौथा, हृदय कंठ भ्रकुटी आदि स्थानों में नाड़ी की चाल के साथ नाम जप की भावना करने से उसके द्वारा नाम जप होता हुआ प्रतीत होता है, उसका मन से बार बार अनुभव करना यह भी मानसिक जप है। पांचवा, रात्रि में सोने के समय स्वाभाविक ही कानों में एक प्रकार का शब्द सुनाई देता रहता है, उसमें राम शिव ओम आदि अल्प अक्षरों के भगवान नाम की भावना करने से वह नाम स्वतः ही सुनाई देता है। इसका दृढ़ अभ्यास हो जाने पर चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भी मन से उस नाम का सुनाई देना यह भी एक प्रकार का मानसिक जप ही है। इसके सिवा जीभ और होठ बंद करके श्वास प्रश्वास के द्वारा जो नाम जप का अभ्यास किया जाता है उसमें अभ्यास हो जाने पर नाम का उच्चारण कंठ से स्वाभाविक होता रहता है। यह श्वास द्वारा होने वाला जप उपांशु से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मरण काल पर्यंत वाणी और नाड़ी की गति बंद होने पर भी हो सकता है, किंतु यदि इसके साथ मन को लगा दिया जाए तब तो यह भी मानसिक जप की गणना में शामिल हो जाता है। भगवान नाम जप के साथ उस नाम का अर्थ जो नामी भगवान है उनका स्मरण रखने से वह जप बहुत अधिक महत्वपूर्ण और कल्याणकारक हो जाता है। भगवान नाम जप का बड़ा भारी प्रभाव है। नाम जप के प्रभाव से तो स्वयं भगवान ही उस जापक के वश में हो जाते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। भक्त हनुमान जी की भगवान के नाम में परम निष्ठा थी। आध्यात्म रामायण में समुद्र उल्लंघन के समय वे कहते हैं, प्राण निकलते समय जिन भगवान के नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर से तर कर उनके परम धाम को चला जाता है। राज्य अभिषेक के पश्चात जब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हो उन्हें वर मांगने को कहते हैं, तब श्री हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो
यही वर मांगते हैं। हे राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता है, इसलिए मैं सदा सर्वदा आपका नाम स्मरण करता हुआ ही इस पृथ्वी पर स्थित रहूं। भगवान श्री राम ने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें वर दिया। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, मनुष्य मरते समय, आतुर अवस्था में, गिरते या फिसलते समय, विवश होकर भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो वह सारे कर्म बंधनों से छूटकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा होने पर भी घोर कलयुग में मनुष्य उन भगवान की उपासना तत्परता से नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, नाम जप के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। किसी कवि ने भी कहा है, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की परी पुराने घास। गीता जी में भी भगवान कहते हैं, अपि चेसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। श्रीमद् भागवत में भगवान के पार्षदों के वचन हैं, सभी पापियों के लिए इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, अजामिल, जैसे पापी ने मरते समय पुत्र के निमित्त से भगवान के नाम का उच्चारण किया था, किंतु उसे भी परम धाम की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। श्री सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी उच्च स्वर से बोल उठता है हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री नारद पुराण में श्री सनक जी नारद जी के प्रति कहते हैं, जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन में इत्यादि भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। और भी कहते हैं, ब्राह्मण, यह बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि भगवान विष्णु के नाम के रहते हुए भी लोग जन्म मृत्यु संसार के चक्कर काटते हैं, जन्म मृत्यु संसार में चक्कर काटते हैं। जो सोते, खाते, चलते, ठहरते, उठते और बोलते हुए भी भगवान विष्णु के नाम का चिंतन करता है उसे नित्य बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। भगवान विष्णु का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति है ही नहीं। इस प्रकार शास्त्रों में जगह जगह नाम की भूरी भूरी महिमा गाई गई है। यहाँ तो कुछ साधारण दिग्दर्शन कराया है, वस्तुतः नाम की महिमा कोई गा ही नहीं सकता, क्योंकि गाना तो वाणी से ही होता है, किंतु वाणी परिमित है और भगवान नाम की महिमा अपरिमित है। अतः उसकी महिमा मनुष्य कहाँ तक गा सकता है, यह कथन भी कोई अनुचित नहीं है कि भगवान के नाम की महिमा भगवान भी नहीं गा सकते। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके ही नाम गुन गाई। इसलिए हम लोगों को भगवान के परम प्रेम होने के लिए अनन्य विशुद्ध श्रद्धा प्रेम पूर्वक
मन से हर समय भगवान के नाम का जप करने का प्रयत्न करना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।